हेलो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्मो को आ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या होता है सराउंडिंग क्या होता है सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और आ, हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रोसेस आज हमें डिस्कस करना है बच्चों अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ डायनमिक नहीं और उनके एप्लीकेशन के बारे में तो पहले हम देखेंगे कि वट यू मीन बाई इंटरनल एनर्जी आप इंटरनल एनर्जी किसे कहते हो थर्मोडाइनिक में इंटरनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों नहीं तो कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम हो जैसे पास है तो उस सिस्टम के पास जितने टाइप की जितने भी टाइप्स की एनर्जी एसोसिएटेड होगी अगर आप उन सब को सम कर दें तो आप उसे इंटरनल एनर्जी कहोगे तो जैसा कि डिफाइन किया गया है बच्चों सम ऑफ ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विथ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ठीक है चाहे वो कानेटिक एनर्जी हो चाहे प्रोडेंशन एनर्जी हो चाहे वाइब्रेशन एनर्जी हो चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो चाहे बॉन्ड एनर्जी हो वॉट एवर द काउंट काइंड ऑफ एनर्जी अगर किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है और आपने उनको सम कर दिया तो इसके बाद आपको एक एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड बोलिए इंटरनल एनर्जी ठीक है कहा गया कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सो वी कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी एक्चुअली में एक्चुअली में आपका इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्टेट फंक्शन के सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल से मतलब होता है हमें है ना इनिशियल एंड फाइनल से हमें मतलब होता है तो चूंकि इंटर एनर्जी आपका क्या है स्टेट फंक्शन है इसीलिए आप आप एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते तो जब भी आप फाइंड करोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करोगे ठीक है तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड दैट्स वाई वी कैलकुलेट चेंज इन इंट तो जब भी आप जब भी आप कैलकुलेट करोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करोगे एब्सुलट वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो किसी भी स्टेट फंक्शन का वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं गेटिंग और नॉट अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोर पॉइंट्स है ना सबसे पहले इंटरनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये बात आपको ब्रेन में फिट करना होगा बच्चे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दैट मीनस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा घटाओगे तो घटेगा ठीक है अब अगर आपका प्रोसेस कैसा हो आइसोथर्मल हो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या किया था बच्चे हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेंपरेचर फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या जाएगा बच्चे जीरो और चूंकि आपका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बच्चे जीरो तो याद रखना अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू बताइए जीरो गेटिंग माई पॉइंट फिर आइए कहा गया कि अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है बताया था मैंने बच्चे आपको प्रोसेस का मतलब यह होता है कि आप स्टेट वन से स्टेट टू गए स्टेट थ्री गए स्टेट फोर गए फिर स्टेट वन पे पहुंच गए स्टेट वन से टू पे गए थ्री पे गए फोर पे गए और फिर वहीं पहुंच गए तो दैट मीन्स ये साइक्लिक प्रोसेस है एंड फॉर यू का इंफॉर्मेशन साइक्लिक प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू बताओ बच्चे क्या होगा जीरो नहीं और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इट इज अ स्टेट फंक्शन दैट मींस कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। गेटिंग और नॉट तो बताओ बच्चे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के क्या होगा डायरेक्टली होगा अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो एनर्जी क्या होगा बच्चे जीरो अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है तो एनर्जी क्या होगा जीरो। क्या क्या इन एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ डिपेंडेंट है तो आप कहेंगे नहीं ये स्टेट फंक्शन है पाथ डिपेंडेंट नहीं है गेटिंग और नॉट अब आइए हीट एंड वर्क देखो अगर आप किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हो अगर आप किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हो तो आपके पास दो वेज़ हैं दो तरीके हैं कैसे एक या तो आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर दो या सिस्टम से हीट निकाल दो एक तरीका या तो सिस्टम पे वर्क करिए या आप पे सिस्टम वर्क करे नहीं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट सप्लाई टू सिस्टम और हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, इन दोनों केसेस में आप इंटरनल एनर्जी को बदल सकते हो जरा बात करते हैं बच्चों हम वर्क डन की है ना तेरा ध्यान से देखिएगा वर्क डन वर्क को डेफिनेशन वाइज आप डिफाइन करते हो फोर्स पर यूनिट एरिया डेफिनेशन पॉइंट से कहा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वर्क डन अब आई देखिए बच्चों ये एक कंटेनर है इसका ये इनिशियल वॉल्यूम होगा मान लो इसमें कोई गैस फिल कर रखा है हम लोगों ने गेटिंग नॉट अब इस पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया दिस इज वॉट एक्सटर्नल प्रेशर इस पे हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट किया ये मोबल और ये मूव करके मान लो यहां आ गया तो जस्ट सपोज करो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था ये टोटल अब इस पर प्रेशर एग्जर्ट किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया भाई कम हो गया तो ये क्या है फाइनल वॉल्यूम तो आप देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या था ज्यादा था फाइनल वॉल्यूम क्या है कम है अ नॉट अरे दैट मींस इस प्रोसेस को कंप्रेशन कहोगे ये कंप्रेस्ड हुआ क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाया है दैट मींस के सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया, इसलिए कंप्रेस हो गया है तो यहां पे वर्क डन बाय सराउंडिंग हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम भी कह सकते हो आप तो देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा भाई प्रेशर इनटू एरिया डन क्या होता है देख लीजिए आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं ये सॉरी ये जो आपने देखा है ये क्या है बच्चे ये प्रेशर है ना ये आपके पास एक्चुअली प्रेशर है देख लो ध्यान से दिस इज व्हाट प्रेशर तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया

ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड इसको पॉजिटिव कर देगा क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन लिया है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपका कंप्रेशन का केस हो दैट मीन्स कि आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा बच्चे पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने ये क्या लिया नेगेटिव तो पहले से आपको ये नेगेटिव साइन इसमें रखना होगा ताकि ये नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव बना दे ठीक है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा बच्चे पॉजिटिव होगा नहीं और ये जो केस आपने देखा है ये है आपका एक्स कंप्रेशन अगर ये वॉल्यूम और आगे बढ़ जाता तो ये एक्सपेंशन होता नहीं तब आप कहते कि वर्क डन बाय द सिस्टम है वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता नेगेटिव क्योंकि जब आप एक्सपेंड करोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके फॉर्मुला में नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा बच्चे वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव ठीक है हमें नहीं मालूम फिजिक्स में क्या होता है वो आप समझिए सुना होता है एनी anyway, ये आपको बताया गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा नेगेटिव देख लिया हमने कॉन्सेप्ट अब कहा गया कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए दैट मीन वैक्यूम हो जाए नहीं तो इन ऑफ वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू जीरो तो जब आप इस एक्सटर्नल को जीरो कर दोगे तो डन भाई वॉल्यूम इनटू जीरो इनटू वॉल्यूम तो ये क्या हो जाएगा जीरो इसका मतलब अगर आपके पास फ्री एक्सपेंशन है तो डन इक्वल टू जीरो होगा बच्चे व्हाट अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट किया था तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो तो अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन इक्वल टू बोलिए बोलिए जीरो हो जाएगा बच्चे क्योंकि वॉल्यूम जीरो होगा और प्रेशर इनटू वॉल्यूम को आप डन कहते हो अब जो दूसरा टर्म है जो इंट एनर्जी को बदल सकता है चेंज कर सकता है तो दैट इज हीट तो कहा क्या हीट होता क्या इसको डिफाइन कैसे करते हो बचपन से करते आ रहे हैं आप इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ये एक पॉइंट है आपका कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग होता है तो आप उसे हीट कहते हो ठीक है ना तो अब कहा गया कि वी कैन चेंज द इंडियन एनर्जी ऑफ सिस्टम बाई ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम मैंने आपको बोला था कि आप अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर दो तो उनकी एनर्जी बदल जाएगी अगर आप उनसे हीट निकाल लो तो भी एनर्जी चेंज हो जाएगी <coughs> जैसे वर्क डन से आपने चेंज किया था सिमिलरली आप हीट से भी एनर्जी को चेंज कर सकते हो बच्चों अब आइए साइन कन्वेंशन जो हमें याद रखना है तो हीट गेन बाय द सिस्टम क्यू इज पॉजिटिव अगर आप किसी सिस्टम को सराउंडिंग से हीट सप्लाई करते हो तो क्यों पॉजिटिव लेना होगा हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम क्यों आपको नेगेटिव लेना होगा हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ये पॉइंट आपको पहले से पता है बच्चों और और इम्पोर्टेंट बात ये है कि तो ये पाथ फंक्शन है इसीलिए आप इसको स्मॉल लेटर से लिखते हो है ना ये पाथ फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन नहीं है बच्चों ये पाथ फंक्शन है इसीलिए आप इसको स्मॉल लेटर से लिखते हो, तो हीट गेन बाय द सिस्टम क्या होगा क्यू पॉजिटिव हीट लॉस बाय द सिस्टम क्यू नेगेटिव नहीं और ये एक पाथ फंक्शन है जो आप याद रखना काम आएगा का आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में अब आप देखिए यूनिट के बारे में जानते हो जूल होता है या किलो जूल कैलोरी या किलो कैलोरी इवन अर्ग भी ले सकते हो आप एक साइन कन्वेंशन याद रखना ये बहुत काम आएगा का आपको 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जू, जूल वन ओ वन एक सौ एक पॉइंट थ्री जूल याद रखना और वन कैलोरी इक्वल टू क्या होता है बच्चे आप वन पॉइंट फोर टू अप्रोक्सी मान लोगे जूल और वन जूल इक्वल टू होता है टेन के पास से सेवन अर्घ और ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में बढ़ा होगा वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एक पावर नाइनटीन जूल ये कन्वर्जन आपको याद रखना होगा थर्मोडाइनमिक में बहुत काम आने वाला है उसके बाद कहा गया एक क्वेश्चन है मामूली सा कि गैस एक्सपेंड फ्रीली इन अ कंटेनर फ्रॉम 1 लीटर टू तो 2 लीटर 1 लीटर से 2 लीटर एक गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है ठीक है देन फाइंड वर्क डन बाय द सिस्टम वेरी सिंपल फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है बच्चे जीरो क्यों क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो फ्री एक्सपेंशन में आप आप वर्क डन को जीरो कोट करोगे क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू जीरो और वर्क वर्कडन इकॉर्ड होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी तो अगर आप या तो वॉल्यूम को जीरो कर दो इन आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दो इन एक्सपेंशन जब फिर एक्सपेंशन में प्रेशर ही आपका क्या है जीरो है तो वर्क डन क्या होगा भाई जीरो अब आपसे एक मामूली सा क्वेश्चन पूछा कि गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 20 लीटर टू 8 लीटर प्रेशर एग्जर्ट करके आठ तक पहुंचा दिया दैट इज कॉल्डनिम बीस लीटर एट लीटर तो चेंज इन वॉल्यूम कितना माइनस ट्वेल्व लीटर तो वर्कडन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी एक्सटर्नल आपके पास है 2 ATM, तो आप लिखिए इसमें माइनस टू इन टू चेंज इन वॉल्यूम तो तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना भाई एटीएम तो लीटर आया Conversion मैंने आपको बताया था कि एटीएम लीटर, तो लीटर लिखोगे हो, तो हो गया बच्चे डन अच्छा ये बाय द सिस्टम हुआ इसकी पॉजिटिव वैल्यू ये बता रहा वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तभी तो 20 लीटर से 8 लीटर हुआ भाई कंप्रेस कब होगा जब आप वर्क डन करोगे ऑन द सिस्टम गेटिंग और नॉट अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों कहा गया के पूरे यूनिवर्स की एनर्जी फिक्स है पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है फिक्स है तो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हो नहीं जो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है वो उसका अमाउंट फिक्स है नहीं तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो तो इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म इसको कन्वर्ट कर सकते हो दैट मीनस ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है कॉन्स्टेंट है आप इसको ना ही बना सकते हो और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो सिर्फ एक काम कर सकते हो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो ये कहता है कौन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक मैथमेटिकली क्या स्टेटमेंट है इसका जरा देख लीजिए तो मैथमेटिकली कहा गया कि चेंज इन इंटरनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू तो मैंने आपको बताया था कि इन एनर्जी को चेंज करने के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट इज हीट एंड वर्क डन इन दोनों से आप चेंज कर सकते हो तो कहा गया कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ये क्या है ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनॉमिक यहाँ पे डेल्टा क्यू मैंने यू बता दिया है आपको क्या है ये चेंज इन इंट एनर्जी है बच्चों है ना क्यू अमाउंट ऑफ हीट है या तो सप्लाई होगा या इवॉल्व होगा ये वर्क डन है या तो ऑन द सिस्टम होगा या बाय द सिस्टम होगा अब इसमें इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक को जरा मॉडिफाइड फॉर्म में हम देखेंगे बच्चों तो जरा आप इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनोमिक के स्टेटमेंट को देखें तो कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों कि अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर रिमेन एन कॉन्स्टेंट दैट मीनस चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो तो जब टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है तो आपने क्या पढ़ा बच्चे कि इंडियन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टलीचर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो इंडियन एनर्जी की वैल्यू भी जीरो ही होगी है हाँ ना तो अगर आपके पास प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी जीरो जीरो पुट करेंगे तो Q प्लस डब्ल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चे गेटिंग नॉट तो आप देखिए Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया जीरो तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा इसका मतलब हीट एब्सोर्ब बाय द सिस्टम है ना इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम अरे क्यू पॉजिटिव का मतलब होता है हीट आपने सप्लाई किया किसको सिस्टम को और माइनस वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं तो हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम दैट्स वाई ये पॉजिटिव है यहां ये अगर डन पॉजिटिव है इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है और हीट इवॉल्व हुआ है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम अरे ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है Q w लिखेंगे स्टेटमेंट कुछ और आएगा और डब्ल्यूल टू माइनस की लिखोगे तो भी स्टेटमेंट डिफरेंट आएगा अब आइए अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो अरे यार इनिशियली गए थे आप फिर दूसरे स्टेट पे गए तीसरे पे गए चौथे पे गए फिर वापस वहीं आ गए तो फिर से क्या होता है इंड इन एनर्जी आपने लिखा भी है जीरो तो फिर से क्यू प्लस टू हो जाएगा समझे समझे कि नहीं अब बताइए अगर आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं तो फिर से वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया भाई जीरो तो वॉकडन आप फाइंड करेंगे यही जीरो हो गया तो वॉकडन भी तो जीरो होगा जब डन जीरो होगा तो यहां आ जाइए इसको जीरो कर दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए बच्चों के अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम और इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनर्जी तो जो भी जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करते हो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वो सारे के सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी इनके इंटरनर्जी को चेंज करने में अब ये डिपेंड करेगा कि आपने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करी है या सिस्टम से निकाली है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आप ये समझ पा रहे हैं बच्चों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इन इंटरनल एनर्जी तो देखते हैं अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या हीट एब्सॉर्ब हुआ अरे आपने पढ़ा है ना कि अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम इज पॉजिटिव पॉजिटिव तो Q अगर है इसका मतलब हीट एब्सॉर्ब द सिस्टम हुआ दैट मीनस इंटर एनर्जी क्या होगा इंक्रीज होगा और एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा बच्चे गेटिंग और नॉट आइए क्यू अगर नेगेटिव हुआ तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉज वॉट डिक्रीज इन इंड एनर्जी एंड ऑबिस इंड एनर्जी को डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा गेटिंग ऑर नॉट तो क्यूब की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पर डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा अगर क्यूब पॉजिटिव है तो एनर्जी बढ़ेगा साथ में टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा भाई और अगर क्यू नेगेटिव है तो एनर्जी घटेगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा गेटिंग और नॉट तो देखिए यहाँ पे आडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है जब आडियाबेटिक प्रोसेस तो क्यू को ही कॉन्स्टेंट कर दोगे आप नहीं क्यू को जीरो कर दोगे तो डेल्टा यू डब्ल्यू इक्वल टू यू होता है तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा अब वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ नहीं और डब्ल्यू अगर नेगेटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ और वर्क डन बाय द सिस्टम काज इन एनर्जी एनर्जी को क्या करेगा घटा देगा तो यहां भी टेम्परेचर कम हो जाएगा सेम प्रोसेस यहां भी यूज कर सकते हो कि अगर आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी वर्क डन बाय द सिस्टम किया तो इसकी वैल्यू घटेगी समझ में आएगी नहीं आया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो एनर्जी बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा दो तो टेम्परेचर भी बढ़ा और अगर बाय द सिस्टम है तो ऑबिस से बात है बाद सिस्टम में क्या होगा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और एनर्जी भी कम हो जाएगा ठीक है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे देखो बच्चे एक मामूली सा क्वेश्चन है इसको ओरली सॉल्व किया जा सकता है कहा गया कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम वन लीटर टू टू लीटर हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज फाइव हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज फाइव हंड्रेड जूल देन फाइन चेंज इन इंटर एनर्जी टेक आर इक्वल टू कैलोरी पर कैलोन पर मोल तो वॉल्यूम वी वन था वन लीटर वी टू टू लीटर चेंज इन वॉल्यूम वन लीटर क्यू इतना था लेकिन लेकिन सारा काम गड़बड़ ये हुआ कि टेम्परेचर रख दिया कॉन्स्टेंट तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चे जीरो अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो आपका इंटरनर्जी क्या हो जाएगा ज़ीरो समझ में आया कि नहीं तो ये था ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इसको एलिब्रेट करेंगे आगे और पढ़ेंगे हम लोग कि जब वर्क डन आप निकालते हो नहीं रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फिर उस पर नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कशन करेंगे बच्चों जरा इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना नहीं ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मोस्टली बच्चों को इसमें परेशानी होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें आसानी से ये आ, समझ में आ जाए ताकि भाई आने वाला टाइम आपका फ्रूटफुल हो नहीं आपको पढ़ने में अच्छा लगे ठीक है बच्चों तब तो तक आप अपना ख्याल रखिए खूब पढ़ाई करिए बाय